जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को बता दें कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली एक और यहाँ पे नई भर्ती निकाल ली गई है। क्लर्क के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होगा, कोई फिजिकल नहीं देना होगा, डायरेक्ट ये भर्ती होने वाली है और ये कंप्लीट आपकी मेरिट पर भर्ती रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है, ऑफिस वाली जॉब आपके लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डेट इसकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है और बिहार सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें हम बात करें तो यहाँ पे इसकी देख सकते हैं नोटिफिकेशन संख्या आपको दी गई है और कहाँ से जारी किया गया और किसके लिए जारी किया गया वो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। साथ ही में दिनांक यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर 2022 की यहाँ पे बात की गई है और विषय देख सकते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण लिपिक के बारे में, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है क्लर्क की ये वैकेंसी है। इसके अलावा आप सभी को बता दें अमीन या कानून को वगैरह की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए स्पेशल जैसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या जूनियर इंजीनियरिंग और वगैरह, ये सारी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, इसीलिए इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और टोटल जो वैकेंसी है उनकी संख्या देख सकते हैं, टोटल 226 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप सभी को बताई गई है, इससे नीचे आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की संख्या है 226 और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। साथ ही में यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इन वैकेंसी की संख्या घट बढ़ सकती है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया और कहाँ से आपको इसके लिए अप्लाई करना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए संविदा के आधार पर ये भर्ती निकाली गई है। तो जो भी भारत के नागरिक हैं वियत प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट www.irc.bhic.nic.in पर लॉग इन करके किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं पद का नाम हो जाएगा विशेष सर्वेक्षण लिपिक एंड यहाँ पे जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्नातक, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो किसी भी स्टेट में, यानी किसी भी स्टेट से या किसी भी सेंट्रल बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जैसे आपका बी हो गया या बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, कुछ भी आपने कर रखा हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी, मानदेय जो आपको मिलेगा वो 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब साथ ही में यहाँ पे बात कर लेते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो आपको बता दें न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए, आयु की जो गणना की जाएगी 1/1/2022 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। इसमें जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, वहीं पे अधिकतम आयु पुरुष वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो 37 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनारक्षित महिलाओं के लिए भी यही आयु रहेगी 37 वर्ष। वहीं पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि कब से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और चयन प्रक्रिया क्या होगी वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप सभी को पूरी चीजें दी गई है, जैसे ऑनलाइन आवेदन की जो दिनांक है वो 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 के बीच में आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इसी वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म भरना होगा। साथ ही में यहाँ पे नंबर 8 पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटर मैट्रिक और स्नातक या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उसके आधार पे यहाँ पे ये भर्ती रहेगी, यानी कि कंप्लीट मेरिट के अकॉर्डिंग ये भर्ती रहने वाली है। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैट्रिक के लिए 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, इंटर के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन के लिए 70 नंबर दिए जाएंगे। वहीं पे 5 नंबर रखे गए पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है तो वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण करके चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं कि कैसे आपका यूज़ होगा, जैसे 80 नंबर आपके मैट्रिक में हैं और 70 आपके इंटर में, इसी तरीके से बताया गया है जैसे 80/10 कर दिया जाएगा तो 10 से डिवाइड देगा जब आपके 8 अंक यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा
प्रोसेस है जो कि आपको क्लियर कर दिया गया है कि कैसे आपके नंबर निकाले जाएंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका जब टोटल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 63 मार्क्स बन जाएगा अगर इतना परसेंट आपका दे रखा है, तो आपका अगर परसेंटेज ठीक ठाक है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे विज्ञापन में वर्णित रिक्त का 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि ये जो भर्ती होगी इसके लिए जितने कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो उसके 226x3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि इतने कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग जो होगी उसके बाद आप देख सकते हैं रिक्त पद के चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों को पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा, यानी कि एक वेटिंग लिस्ट बना दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो उस वेटिंग लिस्ट से भी कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, और जरूरत पड़ती है तो ये जो आपका मानदेय रहेगा और जो नियोजन रहेगा वो रहेगा 31 मार्च 2024 तक, और जरूरत पड़ती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 27 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 21 अक्टूबर रात के 11:59 तक भरे जा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी कि कैसे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, कब से फॉर्म भरना है और कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। एज मैंने आपको क्लियर कर दी, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको क्लियर कर दी और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में बिहार से जुड़ी हर एक भर्ती की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।